काउंटिंग सेंटर संगड़ा में विधानसभा चुनाव मतगणना संबंधी तैयारियां पूरी। गत वर्षों की तरह इस बार भी डिग्री कॉलेज भवन में होगी रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना। काउंटिंग सेंटर पर लगी 17 टेबल में से 14 पर ईवीएम तो शेष पर पोस्टल व सर्विस बोर्ड की होगी गणना। 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद हॉल में मौजूद किसी भी शख्स को नहीं होगी बाहर जाने की इजाजत। मतगणना केंद्र के आसपास पर्याप्त संख्या में तैनात होंगे पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान। डीएम सिरमौर के आदेशानुसार 9 दिसंबर की सुबह तक जारी रहेगी धारा 144। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए डिग्री कॉलेज परिसर सांगड़ा में स्थापित काउंटिंग हॉल में तैयारियां पूरी की जा चुकी है और रेणुकागंज विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सांगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी द्वारा मंगलवार को भी कई बार मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया गया। विधानसभा चुनाव के मतों की गणना के लिए यहां कुल 17 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें से 14 पर ईवीएम संबंधी मतों की गणना होगी जबकि 2 पर पोस्टल बैलेट तो 1 पर सुरक्षा बलों के सर्विस वोट की काउंटिंग की जानी है। जानकारी के अनुसार इन सभी टेबल पर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे भाजपा, कांग्रेस, आप व देवभूमि पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा अपने अपने एजेंट भी तैनात किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार परसों सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने तक काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने वाले चुनाव आयोग के कर्मचारियों व अन्य लोगों को नतीजे जारी न होने तक बाहर आने की अनुमति नहीं होगी और चाय व जलपान की व्यवस्था भी हॉल में ही की जाएगी। एसडीएम संग्रह डॉक्टर विक्रम नेगी के अनुसार मतगणना संबंधी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और काउंटिंग हॉल से कुछ दूरी पर कॉलेज परिसर में ही मीडिया सेंटर भी स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि काउंटिंग प्रोसेस के दौरान मौजूद रहने वाले मीडिया कर्मियों को कल पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और मतगणना केंद्र में मीडिया सेंटर को छोड़ अन्य कहीं भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। उधर डीएम एवं डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज मीडिया को जारी बयान में कहा कि मतगणना के चलते 8 दिसंबर को सुबह 4 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे तक जिला में धारा 144 लागू रहेगी और किसी भी शख्स को बंदूक व पिस्टल जैसे अस्त्र शस्त्र अथवा घातक हथियार साथ लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। ईवीएम सेंटर की तरह ही काउंटिंग हॉल परिसर की सुरक्षा भी पैरामिलिट्री फोर्सेज व स्टेट पुलिस के जवानों द्वारा की जाएगी और इसके अलावा चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी रहेगी। गौरतलब है कि हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है रेणुका जी हल्के में इस बार नौराधार में डिग्री कॉलेज संगड़ा में इलेक्ट्रिकल डिवीजन व सब डिवीजन तथा ददाहू सैंधार धाटीधार बोगधार व हरिपुरधार आदि स्थानों पर जहां स्थानीय लोगों की मांग के मुताबिक विभिन्न नए संस्थान खुले हैं वहीं गत 14 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गिरिपार को एसटी स्टेटस को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है जिसके चलते कांग्रेस के इस गढ़ में भाजपा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में बताई जा रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा में बगावत अथवा पार्टी प्रत्याशी की कमजोर स्थिति के चलते हालांकि यहां विधानसभा चुनाव में मुकाबला लगभग एक तरफा देखा जा रहा था मगर इस बार बीजेपी की स्ट्रांग पोजीशन होने व कांटे की टक्कर के चलते डिग्री कॉलेज परिसर में दोनों दलों के समर्थकों की संख्या भी गत चुनाव से कहीं ज्यादा होने का अनुमान है और इस लिहाज से भी प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।